हेलो डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेशन पार्ट थ्री पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आज हम बात करेंगे टेक्निक्स और मींस ऑफ कोऑर्डिनेशन की इसी के साथ साथ हम लिमिटेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन को भी डिस्कस करेंगे तो शुरू करते हैं और जानते हैं टेक्निक्स और मींस ऑफ कोऑर्डिनेशन की समन्वय की तकनीकें एवं साधन इनमें सबसे पहला है हायर की ऑफ अथॉरिटी यानी अधिकारों का पदानुक्रम अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थिंकर्स हायर की ऑफ अथॉरिटी इज़ वन ऑफ द मेन टेक्निक ऑफ कोऑर्डिनेशन के अधिकारों की जो रेखा होती है वह समन्वय स्थापना करने की एक प्रमुख तकनीक होती है क्योंकि इसके द्वारा यह स्पष्टता होती है कि कौन अधिकारी है और वह अपने अधीनस्थों को कार्यों के बारे में डायरेक्शन दे सकता है और इस तरीके से क्लियरली यह डिसाइड रहता है कि किस व्यक्ति का क्या रोल है और कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है एंड द सेकेंड इज प्लानिंग यानी कि नियोजन की योजना के द्वारा सारे कार्यों का पूर्व निर्धारण हो जाता है उद्देश्य निर्धारित होते हैं इससे भी क्लैरिटी आती है और जो फंक्शनिंग होती है वो काफ़ी स्मूदली हो सकती है तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि प्लानिंग समन्वय स्थापित करने का एक अच्छा साधन है असाउंड प्लानिंग प्रोसेस एंड श्योर्स कॉर्डिनेटेड एफर्ट्स असाउंड प्लानिंग प्रोसेस

इस समन्वय स्थापित करने का एक बेहतर तरीका होते हैं इनके द्वारा कार्यों में स्पष्टता रहती है कि कार्यों को किस तरीके से किया जाना है क्या नियम है तो इनको फॉलो करने से जो तालमेल है वो बेहतर तरीके से स्थापित किया जा सकता है इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम की यानी संप्रेषण प्रणाली की इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज की टू प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बोथ रिटर्न एंड ओरल कम्युनिकेशन मैथड्स एंडश्योर्स प्रॉपर ट्रांसमिशन ऑफ द प्लान्स पॉलिसीज प्रोसीजर्स मैथड्स ऑर्डर रूल्स रिपोर्ट्स सजेशंस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है अगर वो बेहतर है साउंड है तो उसके द्वारा योजनाओं का नीतियों का और कार्यविधियों का और मैथड्स और ऑर्डर और रूल्स और रिपोर्ट्स इनको बेहतर तरीके से संचार इनका किया जा सकता है इनका ट्रांसमिशन किया जा सकता है और इस तरीके से कार्यों में एकता या समन्वय की स्थापना इजीली हो जाती है एंड द नेक्स्ट इज कमेटीज कमेटीज जो होती हैं वह समन्वय स्थापित करने की एक प्रभावशाली तकनीक मानी जाती है मैंने भी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कमेटीज टास्क फोर्स एंड टीम्स फॉर द अचीविंग कोऑर्डिनेशन दिस आर कंपेयर्ड ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स तो इस तरीके से यह जो uh, कमेटीज़ होती है इन कमेटियों के माध्यम से भी कार्यों में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जाता है और नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंसिस कॉन्फ्रेंसिस आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल टू अचीव कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंसिस प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एंड फ्रेंक डिस्कशंस ऑन द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय डिफरेंट मेंबर्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सो इसके द्वारा भी आ, आ, जो है कोऑर्डिनेशन वो इफेक्टिवली इस्टेब्लिश किया जा सकता है कि जिन भी व्यक्तियों को कार्य से संबंधित कोई इश्यूज़ होते हैं प्रॉब्लम्स होते हैं वो इन कॉन्फ्रेंसेस में अपने इन को क्लियर कर सकते हैं और इस तरीके से जो भी अवरोध है या हर्डल है उसको दूर किया जा सकता है इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं स्टाफ ग्रुप्स की सम टाइम्स स्पेसिफिक स्टाफ ग्रुप्स और अ मैनेजर इज असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉर्डिनेशन वन अ डिपार्टमेंट और बिटवीन टू और मोर डिपार्टमेंट्स तो इस तरीके से स्पेसिफिक स्टाफ ग्रुप या जो मैनेजर होता है वो पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने का ही काम करता है और इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं इनफॉर्मल कोऑर्डिनेशन की कि जो इनफॉर्मल कोऑर्डिनेशन होता है वह कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने में सबसे अहम भूमिका का निर्वाह करता है इसके द्वारा जो है कोऑर्डिनेशन uh, इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से संदेशों का आदान प्रदान किया जा सकता है ऑल द ऑर्गेनाइजेशन यूज द टेक्निक्स ऑफ इनफॉर्मल कोऑर्डिनेशन मैनेजर्स एनकरेज सोशल एंड अनऑफिशियल रिलेशनशिप एंड इंटरैक्शंस अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दिस रिजल्ट्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स और इसके बाद बात कर रहे हैं हम इफ़ेक्टिव लीडरशिप एंड सुपरविज़न की कि अगर एक अच्छा नेतृत्व है तो वह है व्यक्तियों का सहयोग आसानी से प्राप्त कर सकता है और इस तरीके से संस्था के कार्य स्मूदली हो सकते हैं तो इफ़ेक्टिव लीडरशिप इज टेक्निक टू इस्टेब्लिश टू इस्टेबलिश कोर्डिनेशन लीडर्स एंड सुपरवाइजर्स कैन बेटर गाइड एंड मोटिवेट देयर सबॉर्डिनेट्स टू देयर कॉमन गोल्स एंड इंटरेस्ट देयर फॉर दे हेल्प इन डेवलपिंग कॉमन आउटलुक तो इस तरीके से इसके द्वारा समन्वय की स्थापना की जा सकती है और है इंसेंटिव्स इंसेंटिव यानी कि प्रेरणाएँ जो प्रेरणाएँ होती हैं वह ऑर्गेनाइजेशन है को और इस्टाफ को जोड़ने का काम करती है और इस तरीके से कर्मचारियों का सहयोग आसानी से प्राप्त किया जा सकता है इंसेंटिव टू द इंडिविजुअल मेंबर कैन बी यूज टू अचीव कोऑर्डिनेशन इंसेंटिव दैट कैन सर्व म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर मोर इफेक्टिव इन द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन इसके बाद बात कर रहे हैं लाइजनिंग डिपार्टमेंट्स की कि ये इस तरीके के मेलजोल या संपर्क स्थापित करने वाले डिपार्टमेंट होते हैं जो स्पेसिफिकली कॉर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने का काम करते हैं इन बिग ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ frequent interaction between different departments of the organization. In such organization, a liaison department officer is created. This department ensures the coordination between the related and interdependent departments. Now the next is induction ki Ki Induction can be used as a method of coordination. When new employees join the organization, managers introduce them with the rules, regulations, procedures, सोशल सेटिंग्स बिहेवियल नॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ बिलीव एंड हिस्ट्री तो इस तरीके से जब संस्था के कार्यों के बारे में नीतियों के बारे में संस्था के बारे में प्रॉपर्ली इंट्रोडक्शन दिया जाता है तो यह कोऑर्डिनेशन के लिए काफ़ी सहायक होता है और इस तरीके से जो काम होते हैं वह स्मूदली हो सकते हैं और संस्था में बिना किसी रुकावट के कार्य होते रहते हैं अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की जो कि है इंडोक्ट्रिनेशन एंड ट्रेनिंग की मतारोपण और प्रशिक्षण के द्वारा भी समन्वय की स्थापना की जाती है इंडोक्ट्री के इंडोक्ट्रिनेशन एंड ट्रेनिंग कैन ऑल्सो बी यूज एज द मैथड ऑफ कॉर्डिनेशन थ्रू इंडोक्ट्रिनेशन अ मैनेजर कैन डेवलप विल टू वर्क फॉर अ कॉमन पर्पस इन हिज ऑर्गेनाइजेशन ऑन द अदर हैंड ट्रेनिंग मेक्स द सबोर्डिनेट्स कॉम्पिटेंट इनअ टू डू देयर जॉब तो इस तरीके से यह वह विधि होती है जिसके द्वारा कर्मचारियों में कार्य करने की इच्छा उत्पन्न की जाती है और प्रशिक्षण के द्वारा उन्हें कार्य करने के लिए योग्य बनाया जाता है तो इस तरीके से उनमें कार्य करने की इच्छा और योग्यता दोनों को उत्पन्न किया जाता है और नेक्स्ट है साउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अ वेल एस्टेब्लिश्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वुड एनेबल मैनेजर्स टू कोऑर्डिनेट इफेक्टिवली कि एक अच्छा निर्णय लेने का जो तरीका होता है वह भी व्यक्तियों का स्टाफ का सहयोग प्राप्त करता है और इस तरीके से समन्वय की स्थापना की जा सकती है और अब बात कर रहे हैं हम लिमिटेशन ऑफ कॉर्डिनेशन की कि समन्वय की स्थापना करते समय किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है इनमें सबसे पहला है इंक्रीजिंग साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर संगठन बहुत बड़े हैं और कॉम्प्लेक्स है तो समन्वय की स्थापना करना आसान काम नहीं होता है और नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर उसका स्ट्रक्चर यानी ढांचा का संगठन की संरचना कॉम्प्लिकेटेड है तो भी समन्वय की स्थापना करने में परेशानी या समस्या का सामना करना पड़ सकता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ लेवल्स पोजिशंस एट ईच लेवल लाइन एंड स्टाफ एक्सपर्ट्स डिफरेंट प्रोसीजर्स एंड मैथड्स ऑफ परफॉर्मिंग जॉब एट्सेट्रा हैव अ रेंटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मोर कॉम्प्लेक्स दिस पॉजिस प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन कि इसके कारण जो है समस्या का सामना करना पड़ता है समन्वय की स्थापना आसान नहीं रह जाती ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन बिहेवियर को बहुत डायनामिक माना जाता है ह्यूमन बिहेवियर हैज़ नेवर बिन स्टैटिक इट इज़ एवर चेंजिंग तो इसलिए कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने में प्रॉब्लम होती है और नेक्स्ट है डिफरेंस इन अप्रोच टू गोल्स की Uh, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग सोच होती है मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डेवलप देयर ऑन अप्रोच और व्यू अबाउट द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैंड्स एवरी डिपार्टमेंट मे थिंक दैट द गोल्स कैन बेस्ट बी अचीव्ड थ्रू इट्स ऑन सभी का उद्देश्यों को प्राप्त करने का तरीका अलग होता है तो तालमेल की समस्या बनी रहती है डिफरेंस इन टाइम डायमेंशन कि सभी व्यक्तियों के काम करने के ए, कि जो समय अवधि होती है उसके बारे में भी अलग विचार होते हैं द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स मे हैव डिफरेंट टाइम डायमेंशन फॉर रीचिंग अ टारगेट एवरी मेंबर दे अ फोर ट्राइज टू अचीव द टारगेट विद इन दैट टाइम फ्रेमवर्क दस कॉर्डिनेशन बिकम वेरी डिफिकल्ट कि सभी व्यक्तियों के काम करने का जो टाइमिंग है या अवधि है वह अलग अलग होती है तो इस तरीके से तालमेल में समस्या हो सकती है इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंस इन कम्युनिकेशन सिस्टम के अलग अलग कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं कुछ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम में बिलीव करते हैं और कुछ फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम में बिलीव करते हैं तो इस तरीके से यह भी समस्या है कि किस तरीके से स्मूथली काम किया जाए समटाइम्स मेंबर्स हैव डिफरेंस इन देयर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन सम मेंबर्स में बिलीव इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ओनली वाइल अदर मे बी रिजिट टू फॉर्मल कम्युनिकेशन दस द कोऑर्डिनेशन बिकम्स डिफिकल्ट बिटवीन दैम एंड द नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम की संस्थाओं में कभी कभी प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होने से भी समन्वय की स्थापना में प्रॉब्लम आती है एब्सेंस ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम इज अ मेजर बॉटल नैक इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस और अब बात कर रहे हैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट की अगर व्यक्तियों के इंटरेस्ट अलग अलग हैं तो भी समन्वय की स्थापना नहीं की जा सकती सम इंडिविजुअल स्टैंड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ देयर ऑन पर्सनल और डिपार्टमेंट

राजनीति की जाती है सहयोग नहीं किया जाता है तो समन्वय स्थापित करना मुश्किल होता है लैक ऑफ स्किल्स एंड मैनेजर समटाइम मैनेजर्स लैक इन रिक्वायर्ड स्किल्स कॉन्सेपचुअल टेक्निकल ह्यूमन डिजाइन स्किल देयर वॉर दे के नॉट परफॉर्म देअर जॉब इफेक्टिवली कॉन्सिक्वेंटली प्रॉब्लम्स इन कॉर्डिनेशन अराइज एंड द नेक्स्ट इज लैक ऑफ एक्सपीरियंस के अनुभव की कमी के कारण भी समन्वय स्थापित करना आसान नहीं होता है एंड द नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडिंग प्लान्स कि अगर uh, निश्चित योजनाएं नहीं हैं प्रोसीजर पॉलिसीज नहीं हैं तो भी कोऑर्डिनेशन को इफेक्टिवली स्टेब्लिश नहीं किया जा सकता इन समर्गेनाइजेशन देयर आर नो वेल फॉर्मुलेटेड स्टैंडिंग प्लान दैट इज पॉलिसीज प्रोसीजर मैथड्स रूल्स एडसक्टा दिस सिचुएशन कॉजिज मैनी प्रॉब्लम्स इन कॉर्डिनेशन लैक ऑफ कॉपरेशन एंड ट्रस्ट की अगर इसकी कमी है कॉपरेशन और ट्रस्ट नहीं है एम्प्लॉयज़ में स्टाफ में तो भी कॉर्डिनेशन इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता द सिचुएशन इज़ अ बेसिक ऑब्स्टिकल इन द प्रोसेस ऑफ कॉर्डिनेशन एंड द नेक्स्ट इज डायनामिक अनसर्टेन इन्वायरमेंट की जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी चेंजिंग होता है तो इस कारण से समन्वय को स्थापित नहीं किया जा सकता या समस्या का सामना करना पड़ता है बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ वेरी डायनामिक एंड अनसर्टेन एनवायरमेंट इज एवर चेंजिंग एट द सेम टाइम द डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ चेंज इज़ ऑल्सो नॉट सर्टेन और मेजर बिहेवियर ऑफ नेचुरल फोर्सेज सचेस रेन फ्लड्स एंड अदर देन पोलिटिकल सोशल इकोनॉमिक And technological forces, consumers, and trade unions' behavior, etc., are not. सर्टेन, ऑल दिस अनसर्टेनिटीज ऑफ इन्वायरमेंट रैंडर कोऑर्डिनेशन आर मोस्ट अप हिल टास्क फॉर मैनेजर तो इस तरीके से इन सब कारणों से ऐसी अनसर्टेनिटीज के कारण जो कि वातावरण से फिजिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकती है इसी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट इसी के साथ साथ कई सारे डायमेंशनस बिजनेस को अफेक्ट करते हैं इनमें चेंजेस होते रहते हैं तो इस चेंजेस के साथ में कॉर्डिनेट करना अपने आप में एक चैलेंज होता है तो इस तरीके से कॉर्डिनेशन को इस्टब्लिश करते समय इन सारे चैलेंजेस को और लिमिटेशंस को फेस करना होता है और ये इसकी एक कमी या सीमा मानी जाती है दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू